नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम बात करने वाले फाइनली काफी टाइम के बाद एक पुराने ओल्ड मॉडल इंजन के ऊपर। तो मेरे पास ये एक इंजन है, इसके अंदर एक स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक कार्बोरेटर नया डाल दिया गया है। उसका गाड़ी की स्टार्टिंग तो बढ़िया हो चुकी है, पर साथ में अभी पता चल रहा है कि इसके इंजन से एक साउंड आ रही है। तो वो मैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके आपको सुनाता हूँ, और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जरा नजदीक से वो साउंड को सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इंजन से आवाज है वो कौन सी आवाज है। आप सुनिए, तो अगर आप लोगों को पता है कि ये साउंड किस चीज़ की है तो अभी कमेंट करके बता दीजिए, इससे आप मुझे लगे कि हाँ यार, वीडियो देखने वालों के पास भी नॉलेज है। तो इस काम के लिए मेरे को खोलना पड़ेगा इसका हेड और ब्लॉक, क्योंकि जो साउंड है वो इस जगह से आ रही है, यहीं से वो साउंड है। तो इसके लिए एक बार इस वाले पार्ट को खोलते हैं, और इस पार्ट को खोलने के लिए कितने टूल और कैसे इसको खोला जाएगा, हर एक चीज़ इस बार डिटेल में बात करेंगे एक एक चीज़ के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें हेड लॉक खोलने के लिए सबसे पहले टैंकी उतारनी पड़ेगी, साइलेंसर खोलना पड़ेगा, कार्बोरेटर बाहर निकाल के, वेंजो पाइप निकाल के, इतना कुछ करके हो जाएगा। तो मैं एक एक स्टेप करके बताता हूँ। सबसे पहले हमें टैंकी खोलनी पड़ेगी। टैंकी के लिए आगे पीछे दो बोल्ट होते हैं, चौदह नंबर के, ये 2007 मॉडल है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद सबसे पहले हमें निकालना है साइलेंसर, क्योंकि जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं गाड़ी के वो हम जल्दी खोल देंगे और जल्दी खुल भी जाते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक स्पेशल टूल मैं रखता हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप जाके ऑनलाइन खरीद सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया टूल रहते हैं ये। तो जो हमारे साइलेंसर के अगले हिस्से में जो बोल्ट होता है वो होता है 19 नंबर का, ये इसका नट वाशर। उसके बाद दूसरा बोल्ट खोलना होता है यहाँ पर 15 नंबर का, तो 15 नंबर की चाबी से आराम से खोल देते हैं इसको। तो ये है इसके नट वाशर 15 नंबर का। उसके बाद आखिरी बोल्ट, इसके बाद आखिरी बोल्ट होता है हमारा पीछे, वो है 13 नंबर का। तो ये रहा 13 नंबर का नट बोल्ट। इसके साइलेंसर को बाहर की साइड खींचना है, और जो हमारा यहाँ पर बोल्ट है उसको थोड़ा सा अंदर की साइड को, अंदर की साइड थोड़ा सा ढकेल देना है। और ये हमारा साइलेंसर है। ये साइलेंसर आ गया हमारा बाहर। इंटर खोलने के लिए भी 13 नंबर की चाबी लगेगी, दोनों साइड में नट रहेंगे, उन नटों को खोलना है, नट और वॉशर। ये चीज में जरा आपको नजदीक से पास से आके दिखा देते हैं, जो नट वॉशर होते हैं कुछ। ये रहे इसके दो नट वॉशर। तो फिलहाल ये कार्बोरेटर तो हमने इसमें नया डाला था, तो इसका बताएंगे, अगर आपको अपनी गाड़ी के अंदर नया कार्बोरेटर डालना है तो कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहता है, और जो इसमें आरी बना रहता है इसका क्या मतलब होता है, और ये कौन सी कंपनी का रहता है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए पता लगाना कि आपको अपनी गाड़ी की स्टार्टिंग या एवरेज बढ़िया लेना है तो ये कार्बोरेटर ही है, या कह सकते हैं इंसान की किडनी। अब हम आपको सबसे पहले इंजन का जो पार्ट खोलने वो है रॉकर कवर, और वो यहाँ पर रहता है, और यहाँ पर चार चार बोल्ट लग रहे थे 11 नंबर के, और 11 नंबर की चीज़ें आप इसको, 11 नंबर की चीज़ें आप इसको आराम से खोल सकते हैं। इसके अंदर होते हैं हमारे रॉकर, और इसको क्यों खोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको खोल लेते हैं जल्दी से, फिर
आपको बताए। तो ये होते हैं चार बोल्ट, ये सबसे जो बाहर की साइड रहते हैं उसमें दोनों साइड में छोटे बोल्ट रहते हैं, और जो बीच वाली लाइन होती है ये सबका एक ही साइज रहेगा। इसका स्ट्रेट खुल गया है, और उसके बाद जो सबसे अंदर साइड में रहते हैं ये थोड़े से छोटे रहते हैं, मतलब ये वाले इस साइड में सबसे छोटे बाहर, बाकी बीच में, और उसके बाद अंदर निकलता है हमारा। ये सिर्फ एक कवर होता है। अब यहाँ पर होते हैं रॉकर, और ये ऊपर से कवर रहता है, तो इसको बोलते हैं रॉकर कवर। तो अब इसके बाद हमने रॉकर कवर खोल दिए, उसके बाद हमें खोलना है ये बेंजो पाइप बोलते हैं इसको, जो इंजन से ऑयल की सप्लाई ऊपर रॉकर कवर तक पहुँचाता है। ये सिर्फ पुराने मॉडल के अंदर ही होता है। अब इसको खोलने के लिए हमें 21 नंबर का पाना ऐसे लगा के खोल देना है, पर मैं हमेशा राय दूंगा कि आप ये जो है अंदर पाइप को 18 नंबर की चाबी से होल्ड करके रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम इसको खोलते हैं और ये पाइप साथ में घूम जाता है, अगर ऐसे घुमाने में पाइप घूम गया तो ये पाइप ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से होल्ड करके फिर इसको खोलना है इस तरीके से। तो ये हमारा 21 नंबर के दोनों बोल्ट खुल गए। इसके बाद हमें नीचे 13 नंबर का यहाँ पर एक बोल्ट होता है, पहले इसके अंदर बता देता हूँ कि दो वाशर लगे रहते हैं, पर इसके अंदर फाइबर वाशर और पीतल वाशर ज़्यादा बढ़िया काम करती हैं अच्छे से, जिसमें लीकेज नहीं होती है। देखिए दोनों बोल्ट कुछ इस तरीके के रहेंगे। अब हमें 13 नंबर की दो चाबी से इस बोल्ट को खोलना है। तो अब हमें ये बोल्ट खोलने के लिए पहले 13 नंबर की चाबी नीचे लगानी पड़ेगी और एक 13 नंबर की चाबी ऊपर लगानी पड़ेगी, और इस तरीके से हमारा ये बोल्ट भी खुल जाएगा। और ये पाइप हमारा बाहर आ गया है, ये है हमारा पाइप। तो अभी हमें खोलना है ये डी कंप्रेसर की वायर, और इसके लिए हमें 4 नंबर का पेचकस से इस नट को खोलना है, और ये निकल गई हमारी वायर बाहर। तो अब हमें खोलने हैं यहाँ पर 4 बोल्ट, 1, 2, 3, 4। इसी के लिए हमें रोकर कवर खोलना पड़ता है। उससे भी पहले दो साइड में 12 नंबर के बोल्ट होते हैं, उनको खोल लेते हैं, क्योंकि अंदर 12 बाहर साइड में 12 के होते हैं, अंदर साइड में 13 नंबर के। ये वाले 12 नंबर 13 नंबर के बोल्ट हमें खोलने हैं, इनको एक बार गोटी टामी से मैं सिर्फ ढीला कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो 12 नंबर का नट मैंने बताया था ये साइड में होते हैं दोनों, उसके बाद में जो अंदर की साइड से बोल्ट होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, और चारों का साइज एक होता है, चारों कहीं भी लगा सकते हैं। तो अभी हमारा जो ब्लॉक और हेड है ये दोनों अलग हो चुके हैं, अब ये सिर्फ बाहर निकालना रह गया है। तो बाहर निकालने का सही तरीका अब हम आपको दिखाते हैं। तो उससे भी पहले एक बार यहाँ से इसका कार्बोरेटर के इन चीज़ों को निकाल देते हैं। अब हमें पेचकस लगाना है यहाँ पर इस तरीके से, पेचकस डायरेक्ट अंदर डाल देंगे तो लीकेज चालू हो जाएगी। तो आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, साइड से बिल्कुल आराम से हल्के हल्के उसको ऊपर उठा रहा हूँ, और इस तरीके से हल्के हल्के उठाने में आराम से ये बिल्कुल ऊपर को आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है,
तो अब हमारा हेड निकल चुका है बाहर। उससे भी पहले एक बार इसकी जो पुश रोड होती हैं इनको बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा हेड आ चुका है बाहर। तो ये होता है ब्लॉग और ये होता है हेड हमारा। और जो साउंड आ रही थी हमारी, अब मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको। ऊपर की साइड से यहाँ पर ये चीज़ होती है पिस्टन, किक मारने पे हमारा ये ऊपर नीचे काम करता है। और इसको देखिए हिलाने पे ये इस तरह से हिलता हुआ नज़र आएगा आपको। और ये सोचे कैमरे में इतना क्लियर नज़र आ रहा है तो सामने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ढीला है। तो इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक 10 नंबर का नट लगा रहता है, नट इस नट को। तो नट को खोलने के लिए 10 नंबर की चाबी लगानी है और इस तरीके से घुमाओ आराम से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आराम से हाथ की मदद से नट पूरा बाहर आ गया है। अब इसके बाद ब्लॉक को भी बाहर निकालने के लिए नीचे की साइड में इस जगह से पेचकस को अटकाना है इस तरह, जिससे थोड़ा सा पैकिंग छोड़ दें। उसके बाद इसे ब्लॉक को पकड़ना है, ऊपर की साइड इस तरीके से खींचना है। और ये ब्लॉक हमारा पिस्टन से और इंजन से बाहर आ चुका है। तो अब जो मेन हिस्सा हुआ ये हुआ पिस्टन हमारा। पिस्टन को बाहर निकालने के लिए क्या करना है वो अब आपको दिखाते हैं। तो पिस्टन के अंदर यहाँ पर दो लॉक होते हैं, एक इस साइड और एक इसके दूसरे अपोजिट साइड में। तो इसके लिए मैं एक कपड़ा यूज़ कर रहा हूँ, और कपड़ा यूज़ करने के पीछे जो रीज़न है कहीं वो लॉक निकल के इंजन के अंदर ना घुस जाए। और ये नॉक प्लायर का यूज़ कर रहा हूँ और ये लॉक हमारा बाहर आ चुका है। अब मैं उस साइड से जो इसकी रोट है उसको धकेलता हूँ पेचकस की मदद से, हल्के हल्के मैं इसको बाहर निकालता हूँ। तो अब जो पिस्टन है हमारा ये निकल चुका है बाहर बिल्कुल। तो यही वो पिस्टन है जो प्रेशर बनाता है, जो गाड़ी को स्पीड दिलाने में मदद करता है। अब ये देखते हैं ढीला कैसे है इसके अंदर। और इसके लिए हम इसको इसकी पिन वापस अंदर कर देते हैं और ये निकालते हैं रिंग इसके बाहर। और रिंग का गैप चेक करके हम इधर थोड़ा लाइट में आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। तो ये इसके रिंग है, रिंग इसको चेक करने का तरीका देखिए। और मुझे हंसी आ रही है कि इसके अंदर जो गैप है वो कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो कंप्रेसर है वो कहाँ से बनेगा। तो मैं इसका दूसरा रिंग निकालता हूँ और उसको भी चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर भी गैप है या नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी गैप है या नहीं है, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर गैप नज़र आ रहा है। अब ये होते हैं इसका ऑयल रिंग। अच्छा भाई बाहर किधर से आएगा, यहाँ से। और अब पिस्टन डालते हैं इसके अंदर और देखिए ये मतलब थोड़ा टाइट जाना चाहिए। और इसका गैप देखिए, बहुत ज़्यादा ढीला है। तो जो वो साउंड थी
वो इस पिस्टन को ऐसे हिल रहा था इसके अंदर ना, इसके अंदर ऐसे हिल रहा था, तब वो एक साउंड क्रिएट कर रहा था जो हम सुन रहे थे शुरू में स्टार्टिंग पे। अब उसके बाद एक बार यहाँ जरा चेक कर लेते हैं क्या इसकी क्रैंक खराब है या नहीं है, क्योंकि अगर हम पिस्टन डाल देते हैं या ब्लॉक किट डाल देते हैं नहीं और ये हमारी क्रैंक खराब है तो भी काम नहीं करेगी। क्रैंक चेक करने का मतलब बिना इंजन खोले क्रैंक कैसे चेक करें, उसके लिए हमें क्रैंक को इस तरीके से पकड़ के लेफ्ट राइट ऐसे हिलाना है, मतलब समझिए ऐसे पकड़ के ऐसे चेक करना है। तो बिल्कुल प्ले नहीं है इसके अंदर, आप नज़दीक से देखते हैं हम। नहीं है, और ऐसे ऊपर नीचे हिला के देख सकते हैं कोई प्ले नहीं है। तो हमारा इंजन ठीक है, सिर्फ जो भी प्रॉब्लम थी हमारे पिस्टन या ब्लॉकेट के अंदर थी। तो अब मेरे पास एक नई ब्लॉकेट है, मैं उसको डाल कर आपको चेक करा देता हूँ। तो मैंने फिलहाल यहाँ पर मंगा रखी है पूरी बैरल किट बोलते हो, ब्लॉक किट बोलते हैं इसको कंप्लीट, जिसका आपको MRP यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब मैं इसे एक बार ज़रा खोल के भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमें मिलता क्या क्या चीज़ें हैं। रॉयल इनफील्ड की जेन्युइन पैकिंग है, और ये रही ब्लॉक किट पूरी किट। किट का मतलब है पिस्टन और ब्लॉक दोनों इसके अंदर हैं। तो ये इसके रिंग, अच्छा देखिए अभी मैंने जो निकाला है यहाँ पर आप इसके रिंग की सेटिंग देख सकते हैं। रिंग जो है जस्ट यहीं पे कोई है, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, और पिस्टन कुछ इस कंडीशन में है ठीक है। और ये रहा हमारा ब्लॉक, और ये रहा हमारा पहले वाला पिस्टन जो हमारा पुराना पिस्टन था, और ये है नया वाला पिस्टन। अब हम इसके अंदर सबसे मेन जो हमारा अगला पार्ट रहेगा इसके अंदर हम बनाते हैं कि इसके रिंग की सेटिंग किस तरह रखनी है, क्योंकि अगर हम इसके रिंग की सेटिंग अच्छे से नहीं रखेंगे तो गाड़ी ऑयल उठाना चालू कर देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है या देखने वाली चीज़ है कि आखिर रिंग की सेटिंग किस तरह करी जाती है और ब्लॉक किस तरीके से बिठाना है। फिलहाल जो किट है, किट में पिस्टन रिंग कंप्लीट है और एक ये ब्लॉक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी नॉलेज बहुत है क्योंकि काफ़ी देर हो गई, काफ़ी लंबा लेंथी वीडियो बन चुका हुआ, एक एक टॉपिक को हमने कवर किया है। पर जो हमारा इससे अगला नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस टॉपिक पर हम रखेंगे कि रिंग की सेटिंग कैसे करनी है, ब्लॉक को किस तरीके से बिठाना ज़्यादा बेटर रहेगा, और उसके बाद जो पैकिंग चेंज करेंगे कैसे चेंज करेंगे, और स्टार्टिंग के दौर पर किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और कार्बोरेटर की सेटिंग बहुत ज़रूरी है, मेन कार्बोरेटर रिंग और कैसे फिट करना है। तो अगले वीडियो में ये देखेंगे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।